दोस्तों मोटोरोला क्या कर रही है, मेरा मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिसेंटली मोटोरोला एक के बाद एक धमाकेदार फीचर्स के साथ एक बढ़िया मोबाइल लॉन्च कर रहा है मार्केट में, जिसका प्राइस तो बहुत कम है लेकिन उसमें आपको फीचर्स बढ़ भर के मिलेगा, स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ऐसा ही एक मोबाइल मोटोरोला मोटो G54 5G मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो इस मोबाइल में हमें क्या फीचर्स मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है मोबाइल का, कैसा होगा ये मोबाइल आपके लिए, सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वर्ल्ड। तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS पंचोल डिस्प्ले। मोबाइल में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 120Hz, मतलब बहुत अच्छा डिस्प्ले हमें मिलने वाला है इस मोबाइल में। और इस मोबाइल में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मोबाइल के बेजल्स की तरफ देखिए तो साइड और अपर बेजल्स बहुत ही थिन होगा और चिन थोड़ा थिक होगा, लेकिन ऑल ओवर लुक्स बहुत बढ़िया लग रहा है। इस मोबाइल में हमें मिल रहा है IP52 स्प्लैश प्रूफ डिजाइन। अभी चलते हैं दोस्तों मोबाइल का वजन की तरफ। इस मोबाइल का वजन है 192 ग्राम और इसका थिकनेस है 8.89 मिलीमीटर। इस फोन में हमें एकदम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 मिल रहा है और वो भी स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, मतलब इस मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और इस फोन में आपको उतना ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा और इस फोन में आपको 3 ईयर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा, उसके साथ 1 एंड्रॉयड अपग्रेड मिल जाएगा, मतलब एंड्रॉयड 14 अपग्रेड आपको इस मोबाइल में मिल जाएगा। दोस्तों बैटरी की तरफ देखें तो इस मोबाइल में आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक बैटरी मिल रहा है, मतलब इस फोन में आपको मिल रहा है 6000mAh का बैटरी। बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया रहेगा इस मोबाइल में और इसके साथ आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। मोबाइल में जो चार्जिंग कनेक्टर है वो है USB Type-C। इसके साथ आपको 3.5mm हेडफोन पोर्ट भी मिलेगा और डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी मिलेगा। अभी चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल के पोर्ट्स और बटन की तरफ। इस मोबाइल का आप डाउन साइड में देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट और उसके बाद 3.5mm हेडफोन पोर्ट। इस मोबाइल का अप साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाएगा और इस फोन का लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सिम इजेक्टर ट्रे और इस फोन का राइट साइड में आपको मिलेगा वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर ऑन ऑफ बटन जो कि फिंगरप्रिंट का भी काम करता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं इस मोबाइल का कलर की तरफ। ये मोबाइल अभी मार्केट में 3 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, मिंट ग्रीन, मिडनाइट ब्लू और पर्ल ब्लू। कौन सा कलर वेरिएंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। सिक्योरिटी की तरफ देखें तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फैसिलिटी। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस मोबाइल में हमें क्या कैमरा मिल रहा है। तो इस फोन का रियर साइड में हमें मिल रहा है 50MP का डुअल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वो है 50MP का जिसका एपर्चर है f1.8 और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन लेंस मिल जाएगा, मतलब आप वीडियो शूट करने के टाइम आपका वीडियो शेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगा और आपको इस मोबाइल का वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा, फोटो भी बहुत अच्छा खींच पाओगे इस मोबाइल के साथ आप। और इसके बाद हमें एक मिल रहा है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसका एपर्चर है f2.2 और इसमें आपको व्यूइंग एंगल मिल रहा है 118 डिग्री। और इस फोन का फ्रंट में हमें मिल रहा है 16MP का सेल्फी कैमरा जिसका एपर्चर है f2.4। तो इस मोबाइल का कैमरा की तरफ देखें तो इस फोन में हमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा मिल रहा है। बजट के हिसाब से देखा जाए तो एकदम ठीक ठाक कैमरा मिल रहा है और इस फोन का रियर कैमरा से हम फुल HD में वीडियो शूट कर पाएंगे 30 फ्रेम पर सेकेंड में। अभी चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल के परफॉर्मेंस के तरफ, जान लेते हैं इसमें हमें प्रोसेसर क्या मिल रहा है। तो इस फोन में हमें मिल रहा है MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर, एक 6nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz और इसमें हमें IMG BXM 8256 GPU मिल रहा है। मतलब इस मोबाइल का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक तो इस मोबाइल में हमें मिल रहा है 6000mAh का बैटरी और 6nm आर्किटेक्चर वाला चिपसेट।
तो इस फोन में हमें बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। और गेमिंग का बात करें तो इस फोन में आप बहुत अच्छा गेम खेल पाओगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, मल्टीटास्किंग भी आप ठीक ठाक कर पाओगे इस फोन में। कनेक्टिविटी की तरफ देखें तो इस फोन में हमें मिल रहा है 14 5G बैंड्स, वाईफाई डुअल बैंड, ब्लूटूथ 5.3, डुअल 4G वोल्टी और NFC। दोस्तों NFC का भी सपोर्ट मिल रहा है इस मोबाइल में, मतलब इसमें कनेक्टिविटी का सब फीचर्स ही हमें मिल रहा है। और सेंसर का बात करें तो लगभग सभी प्रकार का सेंसर इस मोबाइल में हमें मिल जाएगा। और इसके साथ इस फोन में हमें FM रेडियो भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्पीकर का बात करें तो इस मोबाइल में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ, मतलब साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होने वाला है इस मोबाइल में। ये मोबाइल अभी मार्केट में 2 स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें हमें मिल रहा है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब बहुत ही बिग साइज का हमें रैम और इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। और इसके साथ हमें इस मोबाइल में मिल रहा है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, मतलब एक साथ 2 सिम या 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड आप आराम से सेट कर पाओगे। इस मोबाइल में हमें जो रैम का टेक्नोलॉजी मिल रहा है वो है LPDDR4X और इसमें हमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों इस मोबाइल के प्राइस की तरफ। तो दोस्तों इस मोबाइल का 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट का प्राइस है 14,999 रुपीज़। और इस मोबाइल का 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 17,499 रुपीज़। तो ये मोबाइल आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। बाय।